स्टूडेंट्स, आप लोग अपनी लाइफ में आए दिन एक बहुत बुरी इंसिडेंट सुनते रहते हैं कि किसी लड़की का चेहरा जला दिया गया, किसी लड़की के चेहरे पे कुछ फेंक दिया गया। तो जो ये कंपाउंड होता है, जो ये केमिकल होता है, ये भी एसिड होता है कि जिससे किसी का चेहरा, किसी का लाइफ पूरी हद तक ख़राब कर दिया जाता है। इस हद तक डेंजरस होते हैं ये एसिड्स भी। और ये एसिड फिर इन्हें मिल कहाँ से जाते हैं इतनी ईजिली जिसे ये किसी लड़की पर यूज़ कर सके। ये सब हमारी एवरीडे लाइफ में रहते हैं। जो आपकी कार बैटरीज होती हैं उसमें भी एसिड्स मिलते हैं, या ये बहुत इलीगल तरीके से भी एसिड्स को यूज़ कर पाते हैं। तो ये सब चीज़ें भी बहुत ज़्यादा डेंजरस हो जाती हैं हमारी सोसाइटी के लिए। आपने ये भी सुना होगा कि मार्केट से एक दवाई हटा ली गई, या सरकार ने इस कंपनी को ये दवाई बनाने से मना कर दिया क्योंकि किसी में एसिड की मात्रा ज़्यादा मिली, किसी में बेस की मात्रा ज़्यादा मिली, किसी में कुछ ज़्यादा मिला, किसी कंपनी ने ये दवाई बनाना बंद कर दिया, किसी कंपनी ने ये सामान बनाना बंद कर दिया। तो ऐसी चीज़ें जब हम सुनते हैं तो पता चलता है कि एसिड्स एंड बेसिस की और जानकारी ली जाए और पता किया जाए कि ये है क्या। तो स्टूडेंट, शुरू करते हैं एसिड्स एंड बेसिस के बारे में जानना। एसिड्स वो कंपाउंड होते हैं जो अपने सॉल्यूशन में हाइड्रोजन आयन्स गिव आउट करते हैं। एसिड्स आर दोज कंपाउंड्स दैट गिव आउट H+ आयन्स, हाइड्रोजन आयन्स इन देयर सॉल्यूशन। मतलब जब आप कोई एसिड लेंगे, जब आपसे कहा जाएगा कि ये एसिड है, तो आप इसका टेस्ट कैसे करते हैं? जब उसे हम वाटर में मिलाते हैं, क्योंकि वाटर में जाके कोई भी कंपाउंड अपने आयन्स में टूट जाता है, अपने आयन्स में ब्रेकडाउन हो जाता है, मतलब कि अपने चार्जेस में बढ़ जाता है। और एसिड्स एंड बेसिस चार्ज कंपाउंड्स होते हैं, आयोनिक कंपाउंड्स होते हैं। तो जब कोई एसिड वाटर में मिक्स होता है तो वो अपने आयन्स में टूट जाता है, और उन्हीं में एक आयन होता है आपका हाइड्रोजन, H+ आयन। तो जब कोई कंपाउंड सॉल्यूशन में H+ आयन्स गिव आउट कर दे, तब हम कहते हैं कि ये एसिड है। ठीक है, अब बात करते हैं उसकी और क्या पहचान है। एसिड का टेस्ट सार होता है, बहुत खट्टा टेस्ट होता है। तभी आप जब नींबू चाटते हैं तो आपको खट्टा सा लगता है, क्योंकि नींबू में भी एसिड है, सिट्रिक एसिड पाया जाता है नींबू में। आप जब दही खाते हैं तब आपको खट्टा लगता है, क्योंकि दही में लैक्टिक एसिड है। ठीक है स्टूडेंट्स, ये कुछ एग्जांपल्स हैं जिससे आपको पता चल पाएगा कि एसिड्स कैसा टेस्ट करते हैं। आपको एसिड का टेस्ट करने के लिए एक्चुअल एसिड टेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है, वो लाइफ थ्रेटनिंग होता है। हमें वो कंपाउंड्स जो हम अपनी एवरीडे लाइफ में यूज़ करते हैं उसमें एसिड की मात्रा जान पाते हैं। जैसे दही हमारे लिए खतरनाक नहीं है, नींबू हमारे लिए खतरनाक नहीं है, लेकिन उनमें भी एसिड्स पाए जाते हैं, और वो सारे एसिड्स यूजफुल एसिड्स होते हैं। जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था ना कि हम पूरे चैप्टर में जानेंगे कि एसिड्स एंड बेसिस हमारे लिए यूजफुल कब हैं, कितनी मात्रा में है, और डेंजरस कब हैं, कितनी मात्रा में है। ठीक है, तो एसिड्स आर सार इन टेस्ट, SOUR, सार इन टेस्ट। वो खट्टे होते हैं जैसे कि नींबू और दही। एसिड को पहचानने के लिए हम एक इंडिकेटर भी यूज़ करते हैं। उस इंडिकेटर को हम कहते हैं लिटमस पेपर। लिटमस पेपर बनाया जाता है लिचन से। लिचन से बनाते वक्त जब ओरिजिनली ये सॉल्यूशन होता है, जो कि लिटमस सॉल्यूशन होता है, वो पर्पल कलर का होता है, और एसिड्स एंड बेसिस में जाने के बाद ये अपना कलर चेंज कर देता है। जब हम लिटमस सॉल्यूशन से लिटमस पेपर बनाते हैं तो ये दो कलर का पेपर आपको मिलता है, एक ब्लू कलर और एक रेड कलर। जब कभी भी हम लिटमस सॉल्यूशन से लिटमस पेपर बना रहे होते हैं तो वो दो कलर्स पकड़ता है, एक ब्लू और एक रेड। और एसिड्स की टेस्टिंग हमेशा ब्लू पेपर पे की जाती है, क्योंकि रेड लिटमस पेपर पर एसिड्स का कोई इफेक्ट नहीं दिखता। ठीक है, तो ब्लू लिटमस पेपर को जब वो रेड में चेंज कर दे, व्हेन द लिटमस पेपर चेंजेस इट्स कलर फ्रॉम ब्लू टू रेड, तब हम कहते हैं कि ये एसिड ने किया है। सिंपल सी भाषा में कहिए, एसिड्स चेंज द कलर ऑफ लिटमस पेपर फ्रॉम ब्लू टू रेड। ब्लू से जब रेड कर दे तो उसे हम कहते हैं ये एसिड ने किया है। ये है एसिड्स की कुछ पहचान। एसिड्स की पहचान आप पीएच स्केल पे भी करते हैं।
ये पीएच स्केल क्या है ये हम चैप्टर में आगे जानेंगे। अभी बस आप सुन के रख लीजिए कि मैं पीएच स्केल के बारे में क्या बता रहा हूँ। पीएच स्केल एक ऐसा मेजरिंग स्केल है जहाँ पर हम एसिड्स एंड बेसिस की कैपेसिटी बताते हैं, उनका स्ट्रेंथ बताते हैं कि ये कितने पावरफुल है या कितने वीक है। ठीक है, तो एसिड्स का पीएच रेंज करता है 0 to 7, टोटल रेंज होता है 0 to 14, 7 होता है न्यूट्रल जो कि वाटर का होता है, और 7 से लेके 0 तक आपका एसिड्स का पीएच होता है। जितना कम पीएच होगा एसिड्स उतना ज़्यादा स्ट्रांग होगा। अगर कोई आपको दो कंपाउंड्स दे और बोले कि इनका स्ट्रेंथ बताओ कि कौन ज़्यादा एसिडिक है कौन कम एसिडिक है, तो आप उसका पीएच लेवल मेजर कीजिए। अगर आपको पीएच लेवल कम आया 1, 1.2, 2, 3 और दूसरा वाला अगर 5 या 5.5 के आसपास आया, तो जिसकी वैल्यू कम आई है वो ज़्यादा एसिडिक है। ठीक है, इस बात का ध्यान रखिए। इसके बारे में पीएच स्केल के बारे में जब हम चैप्टर में वहाँ तक पहुँचेंगे तब मैं आपको और डिटेल में बताऊँगा। तो ये सब थी आपकी एसिड्स की जानकारी कि एसिड्स गिव आउट H+ इन सॉल्यूशन, एसिड्स आर सार इन टेस्ट एंड दे टर्न ब्लू लिटमस इनटू रेड। ठीक है, अब जानते हैं कुछ बेसिस के बारे में। बेसिस सारा काम इसके ऑपोजिट करते हैं। आपके बेसिस भी वीक एंड स्ट्रांग होते हैं। पीएच में इनका लेवल जाता है 7 to 14, 7 नॉट इंक्लूडेड, 7 to 14, 7 नॉट इंक्लूडेड, 7 के आगे और 14 तक जाता है। इसमें क्या है, जितना बड़ा पीएच लेवल होगा उतना ही स्ट्रांग आपका बेस होगा। अगर कोई बेस जिसका पीएच 14 है और दूसरा कोई बेस जिसका पीएच 10 है, तो पीएच 14 वाला बेस ज़्यादा स्ट्रांग है। ठीक है, पीएच 10 वाले से पीएच 14 वाला बेस ज़्यादा स्ट्रांग है। ठीक है, अब बेसिस क्या करते हैं, बेसिस अपने सॉल्यूशन में OH- आयंस देते हैं। जैसा एसिड देता था ना H+ आयंस, यहाँ बेसिस देते हैं OH- आयंस। ठीक है, तभी आप बेसिस का नाम सुनते हैं NaOH, CaOH होल ट्वाइस। ठीक है ना, तो इस तरीके से ये OH- अपने आयंस देते हैं। और एसिड्स का नाम आप क्या सुनते हैं, HCl, H2SO4, CH3COOH यानी कि एसिटिक एसिड, है ना, HNO3। तो हर चीज़ का आप शुरुआत देख रहे हैं H के साथ हो रहा है। तो जब यही कंपाउंड सॉल्यूशन में मिलते हैं, जब इनका सॉल्यूशन बनाया जाता है, मतलब वाटर के साथ जब ये मिक्स होते हैं, तो इन्हीं में इनका H आयन बाहर हो जाता है, H+ आयन बाहर हो जाता है। एसिड्स और बेसिस की एक पहचान और भी है कि आपको जनरली जब कभी भी कोई कंपाउंड दिखेगा जो कि एसिडिक होगा तो उसमें H हमेशा स्टार्टिंग में मिलेगा। स्टार्टिंग कहिए या कंपाउंड के एंड्स में कहिए, आपको हमेशा वो एंड्स में मिलेंगे। HCl स्टार्टिंग में, HNO3 स्टार्टिंग में, H2SO4 H स्टार्टिंग में। तो जहाँ कहीं भी आपको इस तरह के कंपाउंड्स दिखें, आपके लिए पहचानना आसान हो जाएगा कि ये एसिड्स हैं। एक आपने नाम सुना होगा एसिटिक एसिड। एसिटिक एसिड जिसका इस्तेमाल किया जाता है चाउमीन बनाने में और बहुत सारे डिशेस बनाने में भी, जिसे हम अपने घरों में विनेगर के तौर पर यूज़ करते हैं। एसिटिक एसिड का 5 से 8% का सॉल्यूशन बनाया जाए तो वो विनेगर कहलाता है। ठीक है, और वही विनेगर हमारे अलग अलग खानों के पदार्थों में यूज़ होता है, अलग अलग डिशेज में यूज़ होता है। ठीक है, एसिटिक एसिड कैसे लिखते हैं हम, एसिटिक एसिड लिखते हैं CH3COOH। आप कहेंगे सर यहाँ तो हाइड्रोजन स्टार्टिंग में है ही नहीं, यहाँ तो वो इस साइड पे है। तो मैंने आपसे कहा आपको वो स्टार्टिंग या दोनों एंड्स में से कहीं पर एक मिलेगा, यहाँ पर ये आपको इस एंड पे मिला है। कार्बन के साथ लगा हुआ हाइड्रोजन एसिडिक नहीं है, एंड्स में लगा हुआ हाइड्रोजन हमेशा एसिडिक होता है। क्यों, आखिर ऐसी बात ही क्यों आती है कि एसिड्स के लिए हाइड्रोजन एंड्स में रहने चाहिए, क्योंकि जब उनका सॉल्यूशन बनता है तो सॉल्यूशन में H+ आयन रिलीज आउट हो जाता है, दूर निकल जाता है, कंपाउंड से अलग हो जाता है।
तो रिलीज होने के लिए सबसे एंड्स में होने वाली जो पोजीशन है वो बेस्ट होती है, क्योंकि वहां से निकलना आसान है। आप खुद इमेजिन कीजिए, मान लीजिए आप एक बस में ट्रैवल कर रहे हैं, बस में बहुत भीड़ है और आप जस्ट दरवाजे के सामने खड़े हैं और आपका एक दोस्त बीच में खड़ा हुआ है। आप दोनों का स्टॉप आया। अब जब दरवाजे खुलते हैं और आप जो जस्ट दरवाजे के पास खड़े हुए थे, सबसे एंड में खड़े हुए थे, आपके लिए निकलना आसान हो जाएगा। आप दरवाज़ा खुलते ही फटाक से बाहर चले जाएंगे, लेकिन जो आपका दोस्त होगा उसे बहुत मुश्किल होगी, बहुत मशक्क़त लगेगी उसे बाहर निकलने में, क्योंकि वो बीच में कहीं होगा और बहुत सारी भीड़ से लड़के उसे बाहर निकलना होगा। तो इसीलिए एसिड्स की जब हम पहचान करते हैं तो हाइड्रोजन हमेशा एंड्स में होते हैं, जिससे उनका निकलना आसान हो जाए। ठीक है स्टूडेंट्स, देखिए साइंस में कोई भी चीज़ बिना मतलब की नहीं होती। हर एक कंपाउंड का नाम लिखना, उसका स्ट्रक्चर बनाना, कोई रीज़न देना, सबके पीछे एक वैलिड रीज़न होता है, एक वैलिड लॉजिक होता है। ठीक है, इसलिए आपको कंपाउंड्स कभी भी एसिडिक दिखेंगे तो हाइड्रोजन हमेशा एंड्स में दिखेंगे, जिससे कि वो इजीली रिलीज हो जाते हैं। सेम गोज विद बेसिस। बेसिस में आपको दिखेंगे OH- माइनस आयंस निकलते हुए और वो भी हमेशा एंड्स में ही रहेंगे। जो चीज़ रिलीज होने वाली होती है वो कंपाउंड्स के एंड्स में होती है, इस बात को गांठ बांध के रख लीजिए। मेक अ नोट ऑफ दिस पॉइंट दैट एनी आयंस दैट इज गोइंग टू रिलीज इन इट्स सॉल्यूशन इज ऑलवेज एंड ऑलवेज एट द एंड्स। फॉर एसिड्स इट इज H+, फॉर बेसिस इट इज OH- आयंस। ठीक है, हमने एसिड्स की सारी प्रॉपर्टी जान ली थी, अब हम बेसिस की जान रहे थे। बेसिस गिव आउट OH- आयंस, द pH लेवल इज फ्रॉम 7 to 14, और वी कैन रादर से 8 to 14 बिकॉज 7 इज नॉट इंक्लूडेड। इट चेंजेस कलर ऑफ द लिटमस पेपर फ्रॉम रेड टू ब्लू। एसिड्स चेंज करते थे ब्लू टू रेड, बेसिस करते हैं रेड टू ब्लू। ठीक है, और ब्लू लिटमस पेपर पर एसिड का कोई भी इफेक्ट नहीं दिखता। ठीक है स्टूडेंट्स, एंड बेसिस आर बिटर इन टेस्ट, वो बहुत तीखे होते हैं खाने में, वो बेसिस होते हैं आपके। कभी भी आप हल्का सा साबुन का टुकड़ा खा के देखिए, आपको बहुत तीखा सा वो लगेगा, क्योंकि उनमें बेस होता है, वो बेसिक कंपाउंड होते हैं। ठीक है, तो ये थी स्टूडेंट्स आपके एसिड्स एंड बेसिस की प्रॉपर्टीज़। मैंने आपको उनका स्ट्रेंथ बताया, pH लेवल से बताया, जो कि मैं चैप्टर में आगे भी बताऊँगा। मैंने ये भी बताया कि रोज़मर्रा की लाइफ में हम कैसे यूज़ करते हैं, और अब हम आगे बढ़ते हैं जिससे हम एसिड्स एंड बेसिस के रिएक्शंस देखेंगे अलग अलग तरीके के कंपाउंड्स में। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट सेक्शन में।